आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं सुना होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये स्टॉक मार्केट होती क्या है। बस ये कभी सुन लिया कि बाजार ऊपर चला गया, बाजार नीचे चला गया, लोगों का फायदा हो गया, लोगों को नुकसान हो गया, पर ये कैसे काम करती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कैसे पैसा बनता है, कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और ये वीडियो उन्हीं बहुत सारे लोगों के लिए है। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जिन्हें आज से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप अपने पैसे को ग्रो करना सीखना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे और टॉपिक्स के ऊपर बात करी, हमने बहुत सारी और फील्ड्स के ऊपर बात करी कि आप पैसे कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है स्टॉक मार्केट। रीजन क्या होता है, अब बिल्कुल ही शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, हम एस से शुरू कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के। तो एस से मतलब बिल्कुल ही एबीसीडी आपको आज समझ आने वाली है। स्टॉक मार्केट से जैसे नाम से समझ आ रहा है, कोई मार्केट है, मार्केट है स्टॉक्स की, शेयर बाजार बोलते हैं कुछ लोग, इक्विटी मार्केट बोलते हैं कुछ लोग। तो ये स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स का सिंपल सा मतलब होता है किसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। सिंपल सी चीज है, आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के अंदर एक स्टॉक ओन करते हैं, किसी कंपनी का आपके पास स्टॉक है, हम ये बोल देते हैं शेयर है, तो शेयर का मतलब सिंपल हो गया ओनरशिप। आप कंपनी के एक मालिक बन जाते हैं। आप कहोगे ये थोड़ी है, मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया तो मैं रिलायंस का मालिक बन गया। आप पूरी कंपनी के मालिक नहीं बने, बट आप कंपनी के अंदर मालिक बन गए हैं। इसका मतलब क्या है, कंपनी का मालिक वो होगा जिसके पास कंपनी के ज्यादा शेयर्स होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का मालिक वो होगा जिसने कंपनी शुरू करी है। आप कहोगे हमने तो आसपास ऐसे ही देखा है, कोई आदमी एक दुकान शुरू करता है, दुकान उसी की होती है। अगर वो दुकान को लिस्ट कर देगा, अब ये लिस्ट करना क्या होता है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और लोगों से पैसा उठा लेगा तो अपने कंपनी के शेयर्स वो दे देगा। अभी मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं अभी आपने बात करी कि भाई आसपास कोई मिठाई की दुकान है, एक स्वीट शॉप है, अभी तक आपको ये पता है उस ये कंपनी है, मान लो स्वीट शॉप प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। अब इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसे की जरूरत है क्योंकि इन्हें अब क्या करना है, एक्सपैंड करना है। मान लेते हैं ये कहते हैं जी हम अपने 10 या 100 दुकानें और खोलेंगे, अपने 100 स्टोर्स खोलेंगे हम, अब उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये पैसा लेने के लिए क्या करेंगे, ये एक एक्सचेंज के पास जाएंगे। एक्सचेंज, मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, ये जैसे एक्सचेंज का मतलब कि भाई हम अपने कंपनी का शेयर देंगे और शेयर के बदले में पैसा चाहिए। तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास भी शेयर्स थे, अब ये शेयर्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, शेयर्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं पैसे के बदले में कि हमें पैसा दे दो हम शेयर्स दे देंगे। अब ये पैसा कौन देगा, ये पैसा देगी पब्लिक। अब पब्लिक में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आपको कि पब्लिक तो आप और मेरे जैसे लोग होते हैं, बेसिकली आपके और मेरे जैसे लोग, अगर आप ये पब्लिक बोलोगे तो इसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन में आप और हम आएंगे रिटेल में, रिटेल कैटेगरी जो शेयर्स को खरीदते हैं। फिर एक कैटेगरी और होती है जिसे हम बोलते हैं HNI कैटेगरी। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ कई लोगों के लिए, हो सकता है स्लो जा रहा हूँ, बट आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्वीट शॉप हो सकती है, कोई ज्वेलरी शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बिजनेस जो बिजनेस करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है और उसे पैसे की जरूरत है। तो पैसे लेने के कई सारे तरीके होते हैं। आप कहोगे कि लोन भी तो ले सकता था, डेफिनेटली ले सकता था, एक तरीका तो ये लोन का ही है, और एक तरीका है शेयर्स के बदले में पैसा उठाना। जब हम शेयर्स के बदले में पहली बार पैसा उठाते हैं पब्लिक से तो उसे IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, IPO। अभी HNI समझ आया। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे आप एक कंपनी है LIC, आप कहोगे हाँ इंश्योरेंस की कंपनी है, अब वो क्या करती है, वो भी बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है क्योंकि उसके पास पब्लिक का बहुत पैसा है। बैंक्स भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो जाते हैं, ठीक है, इसे आप QIB भी बोल सकते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो आप ये समझ सकते हो जो पैसा आएगा वो पैसा तो पब्लिक से ही आएगा, बट पब्लिक के तीन चेहरे हैं जो आपको समझ आए, एक रिटेल पार्टिसिपेशन है आपका और मेरा और हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों का, एक HNI हो गया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और फिर आ गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको। ये प्रोसेस के लिए जो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, जैसे कोई भी शेयर एक लिस्ट होगा एक एक्सचेंज के ऊपर, तो वो एक्सचेंज का नाम है, उसका नाम क्या है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंजेस हैं जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, बस इतना समझना बहुत था।
होता है, हम थोड़ा सा जल्दी चले गए, मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर एक लाला जी एक दुकान चला रहे थे, मान लेते हैं पिछले 40 साल से एक दुकान चला रहे थे, अब उन्हें लगा कि भाई मेरा नाम बहुत हो गया बट मुझे पैसा चाहिए, आज मेरी मान लो 5 दुकानें हैं बट मुझे 50 या 100 करनी है और उसके लिए बहुत पैसा लगेगा और मुझे खुद से ही खोलनी है, तो पैसा वो लोन लेके ले सकते थे, वो शेयर्स के बदले में ले सकते थे। अब उन्होंने अपने कंपनी की एक हिस्सेदारी बेच दी पब्लिक को, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स को बेच दिया, अब वो शेयर्स पब्लिक के पास आ गए। अगर वो शेयर्स को लगातार बेचते जाएंगे और वो शेयर्स लोगों के पास आते चलेंगे तो लोग मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था स्टीव जॉब्स के साथ। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत करी, सबको पता है, पर क्या आपको यह पता है कि एक टाइम आया था जब स्टीव जॉब्स को ही एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। ये लाला जी अगर अपने सारे शेयर्स बेच देंगे या मेजॉरिटी शेयर्स बेच देंगे तो फिर ये मालिक नहीं रहेंगे इस कंपनी के, कोई और मालिक बन जाएगा जिसके पास वो शेयर्स होंगे। तो हमेशा कंपनी का मालिक वो होता है जिसके पास शेयर्स होते हैं। मुकेश अंबानी जी आप कह सकते हो भाई रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, क्योंकि उनके पास आज भी मेजर स्टेक होल्डिंग है। जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे वो ही मालिक है, अगर उनके शेयर्स वो डाइल्यूट करते चले गए तो वो मालिक नहीं रहेंगे, ये आपको समझना जरूरी है। ओके, सो ये आपको समझ आ गया तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी। भाई शेयर का मतलब है ओनरशिप। अब अगर आप ओनर हो तो ओनर को फायदे क्या मिलेंगे? आप कहोगे यार ओनर को फायदे ये मिल सकते हैं कि अगर कंपनी ग्रो हुई तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे वैल्यूएशन क्या होता है, ये मार्केट कैप क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर देता हूं। मान लेते हैं ये लाला जी की जो कंपनी थी इसके 1,00,000 शेयर थे। लाला जी की अभी हमने बोला था स्वीट शॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो SS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक है, एग्जांपल के लिए इसके 1,00,000 शेयर है। अभी जब लाला जी ने IPO निकाला तो एग्जांपल के लिए 100 रुपए का एक शेयर था, तो आप कहोगे कंपनी की मार्केट कैप हो गई 1,00,000,000 रुपए की, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे शब्द सुनने को मिलने वाले हैं तो अपने नोट्स बना सकते हो, सिंपल है बहुत। जितने शेयर्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस इट इज मार्केट कैप, और मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई शेयर मार्केट बहुत टिपिकल है, इसके लिए पता नहीं कितनी मैथमेटिक्स चाहिए, आप मेरे साथ बने रहो, बस आप सीखते रहो, आपको समझ आएगा यार ये तो बहुत आसान है, सच में आसान है। इसे कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है कि आम आदमी को ये पता ही ना लगे चीज़ें, आप इसे कितना जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। अभी मैं सीधा रेशियोज में घुस जाऊंगा और फिर मैं उसमें कितनी मर्जी कॉम्प्लिकेशन ला सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा आपको बिल्कुल ऐसे शब्दों में समझाया जाए कि आप रिलेट कर पाओ, आपको एक बार में समझ आनी चाहिए बातें, इसीलिए आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अदरवाइज आप बुक्स पढ़ लो भाई, जाके हजारों लाखों बुक्स लिखी हुई हैं। सो वीडियोस में हमारा पर्पस है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में नॉलेज दी जाए, दैट इज इट। और अच्छी लगती है वीडियोस तो बिना बोले शेयर कर दिया करो, कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो यहाँ पे स्वीट शॉप प्राइवेट लिमिटेड है इसकी मार्केट कैप आपको पता लगे 1,00,000,000 की, बट इस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अगर इसका शेयर का प्राइस बढ़ जाए। आप कहोगे शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा? शेयर का प्राइस कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस कमा कितना रहा है। सिंपल सी चीज, अगर आज लाला जी एग्जांपल के लिए 1 महीने में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट करते थे एक दुकान से, और वो प्रॉफिट 2,00,000 का हो जाएगा, 3,00,000 का हो जाएगा, तो शेयर का जो प्राइस है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो कंपनी का शेयर प्राइस है, हो सकता है किसी न्यूज की वजह से इफेक्ट हो जाए, बहुत सारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से इफेक्ट हो जाए, बट अल्टीमेटली कंपनी का जो स्टॉक का आप ग्राफ देखोगे ना वो फॉलो करेगा कंपनी के अर्निंग के ग्राफ को। अगर अर्निंग का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो प्राइस भी ऊपर जाएगा स्टॉक, सिंपल। और अगर अर्निंग गिर रही है तो स्टॉक का प्राइस गिरेगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप कह सकते हो कि कंपनी के स्टॉक के प्राइस पर फर्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आपके बाथरूम से लेके आपके किचन से लेके आपकी वॉशिंग मशीन में जो पाउडर डलता है उससे लेके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है HUL, राइट। तो हुआ क्या, एक बार घड़ी ने, घड़ी डिटर्जेंट आता ना, उसने अपनी मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली करनी शुरू कर दी, एग्रेसिव मार्केटिंग करी और प्राइस सस्ता था। अब प्राइस क्योंकि सस्ता था तो HUL जो डिटर्जेंट बना रहा था उस डिटर्जेंट पे उनके प्रॉफिट्स गिर गए, और प्रॉफिट्स गिरने की वजह से ना डिटर्जेंट पे जो प्रॉफिट्स गिरे उसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस टूट गया। अबाउट एग्जैक्टली तो आप चेक कर लीजिएगा, अबाउट 20% स्टॉक के अंदर करेक्शन आ गई। अब आप कहोगे यार ये तो एक अलग चीज है,
20% स्टॉक टूट गया। बट यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझनी ज़रूरी है। HUL सिर्फ डिटर्जेंट नहीं बनाता, HUL बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, और 20% स्टॉक टूट गया डिटर्जेंट की वजह से, न्यूज़ की वजह से। बट कंपनी की जो अर्निंग्स थी ना वो मेजरली डिटर्जेंट से थी नहीं, 90% कंपनी की अर्निंग्स उसके अदर प्रोडक्ट से थी, और वहाँ पर अर्निंग्स उसकी बढ़ती नहीं। तो अल्टीमेटली क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ी तो होना क्या था, आप स्टॉक का प्राइस देखो ना, आप हिस्ट्री देखो स्टॉक की, यहाँ पे हम ग्राफ लगा देंगे, आप देखो स्टॉक लगातार भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कंपनी की बात हो रही है जो बहुत स्टेबल कंपनी है और जिसके प्रोडक्ट्स आप हम सब यूज़ करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है किसी न्यूज़ की वजह से या मार्केट में मीडिया की किसी भी हाइप की वजह से या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई कंपनी के साथ जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का प्राइस इफेक्ट कर दे, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी का स्टॉक का प्राइस फॉलो करेगा उसकी अर्निंग्स के ग्राफ को। आई होप यहाँ तक भी समझ आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्या आप किसी से प्रभावित हो? मत होना। इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको हमेशा अपने अकॉर्डिंग लेने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी से इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहते हैं जी फलाने ने इस स्टॉक में पैसे लगाए हैं, उस स्टॉक में हम पैसे लगाएंगे, फलाने ने इस क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया, इसमें पैसे लगाए, हम इसमें पैसे लगाएंगे। आप लोग, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी अगर वैसा करना शुरू कर दोगे तो आपके साथ ना एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बिफोर यू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ आपको पहला कदम कैसे रखना है। उससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अवेयर करूँ। आजकल क्या हो रहा है, आप देखेंगे आप लोगों के पास अननोन नंबर से SMS आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं जिसमें आपको दिखेगा कि भाई हम आपको ना ट्रेडिंग की टिप्स देते हैं। ये कोई सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ये कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं होते हैं, ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले SMS की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप एक सैम्पल SMS देख सकते हो, इनफैक्ट मेरे पास भी आ जाते हैं। इन लोगों का पता नहीं कहाँ से डेटा आ जाता है, अब एग्जाम्पल इनके पास 1,000,000 लोगों का डेटा आ गया। आप कहोगे 1,000,000 लोगों का डेटा, सर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, नंबर डाल देते हैं अपना, वो नंबर वहाँ से निकल जाते हैं। आप मानो या ना मानो, आप लोगों का डेटा ना मार्केट में अवेलेबल है, पता नहीं कैसे पहुंच गया, बट लोगों के पास डेटा आ जाता है। क्योंकि लोगों पर डेटा आ जाता है, नाउ व्हाट दे डू, ये ग्रुप बना देते हैं 5,00,000 लोगों का एक साइट, 5,00,000 लोगों का एक साइट, और ये क्या करते हैं, बल्क मैसेज शूट कर देते हैं। अब बल्क मैसेज शूट किया गया, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि भाई आज बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी क्या होता है कई लोगों को नहीं पता होगा, एग्जाम्पल अभी आप समझ लो बस, इस ग्रुप के लोगों को मैसेज गया कि आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, इस ग्रुप के लोगों को बोला गया कि आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ठीक है, इन्हें बोला CE खरीद लो, आपको कहे CE क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बोला कि PE खरीद लो, बाय कर लो, फलाना दिमाग का कोई भी रेट बोल दिया, और ऐसे इन्होंने मैसेज ड्राफ्ट करके शूट कर दिया। अब इन लोगों के पास जब ये मैसेज आया, इन लोगों ने बाय किया, इन लोगों ने PE बाय किया, मतलब नीचे गिरने पे इनको फायदा होगा, उन्हें ऊपर जाने पे फायदा होगा, बट आज मार्केट ऊपर नहीं गई तो इन लोगों के पैसे वेस्ट हो गए, बट यहाँ पर मार्केट नीचे गई और इन लोगों को फायदा हो गया। अब इन लोगों को एक छोटा सा ट्रस्ट जनरेट हुआ कि जहाँ से मैसेज आया था इनका मैसेज अच्छा आया था। अब इन्होंने अगली बार क्या किया, क्योंकि 5,00,000 लोगों का डेटा था ये, अब 5,00,000 लोगों में से 2,50,000 लोगों को और 2,50,000 लोगों को सेग्रीगेट करके दोबारा से मैसेज भेज दिया गया। इन्हें दोबारा बोला कि आज ऊपर जाएगी, आज नीचे जाएगी, आज मान लेते ऊपर चली गई, तो अब 2,50,000 के बाद इनके पास यहाँ पे ट्रस्ट जनरेट हो गया 2,50,000 लोगों का। इनका नुकसान हो गया, इनके ऊपर होता है कि भाड़ में जाए लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 2,50,000 लोगों का फिर से एग्जाम्पल के लिए 1,25 का ग्रुप बनाया गया, और फिर बोला गया कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मान लेते हैं आज दोबारा से मार्केट ऊपर चली गई। ओके, अब इन लोगों को अगर ये बोल दिया जाए कि आप हमारा कोई पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, या इस तरीके से कुछ भी बोला जाए, तो इसमें से काफी सारे लोग ना ज्वाइन कर लेंगे, पैसे दे देंगे, और होना कुछ नहीं। क्योंकि एक बात बताओ ना, अगर किसी को जेन्युइनली पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो तो भगवान बन जाएगा। अगर आपको पता है कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता है, आपको कैसे पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता। सो मार्केट बहुत सारे डायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी के बोलने पे नहीं चलेगी,
है ना, यहाँ पर मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं काम आती, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपकी और मेरे कंट्रोल में नहीं है मार्केट, मार्केट बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल में है। शेयर्स का प्राइस, हाँ एक एनालिसिस होती है कि भाई अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी है, तो हो सकता है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसका शेयर प्राइस ऊपर जाए, या आज की डेट में आपने टेक्निकल एनालिसिस करी है तो टेक्निकल्स की वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाए, या बैंक निफ्टी ऊपर जाए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको टेक्निकल्स की नॉलेज है, वो एक अलग चीज़ होती है। बट एक ये वाली जो चीज़ है ना, ये पता है क्या हुआ, ये हुआ आपके पास मैसेज आया और आपने रिएक्ट किया। इन लोगों का जो नुकसान हुआ, इन लोगों का जो नुकसान हुआ इनका क्या, बट जो ये लोग कर रहे हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिफोर यू एंटर आपको समझना है कि आपके वो टिप्स और रिकमेंडेशंस कहीं से भी आ सकते हैं, पॉइंट नंबर वन। और जो ये टेलीग्राम पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, वहाँ पे वो लिख देंगे वी आर रजिस्टर्ड, बट आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करो और जाके इंटरनेट पर सेबी की वेबसाइट पर चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि क्या सच में ये जेन्युइन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, ये आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। सो मैंने आपको बताया कि आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा। कई सारे लोग क्या इंटरनेट पर प्रॉफिट देख लेते हैं, भाई किसी ने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखा किसी का लाखों का करोड़ों का फायदा हुआ और आपको लगा हमारा भी लाखों करोड़ों का फायदा हो जाएगा। मतलब शेयर मार्केट अभी आजकल वो वेब सीरीज चल रही है, वो हर्षद मेहता की वेब सीरीज चल रही है, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यार मैं भी ना उसकी ऐसी लाइफ जीऊँगा, बट एंड क्या हुआ उसका, क्योंकि उसने गलत काम किया। तो गलत काम करना एंड अच्छा नहीं होता हमेशा, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी दोबारा से एक और स्टैम्प पेपर स्कैम के ऊपर एक और वेब सीरीज आ गई, लोग वो देख रहे हैं तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यार एक आम आदमी ना बहुत तेजी से अमीर बन सकता है, बट वो आपके लिए राइट एग्जांपल्स नहीं है मेरे भाई, है ना। राइट एग्जांपल्स आप अच्छे लोगों को फॉलो करो, आप वॉरेन बफे को फॉलो कर सकते हो, आप राकेश झुंझुनवाला जी को फॉलो कर सकते हो, आप राधा कृष्ण दमानी को फॉलो कर सकते हो, तो आपके पास अच्छे फॉलोअर्स भी है। बट इनकी जब स्टोरीज बनेंगी ना तो उसमें मसाला इतना नहीं होगा, इनकी स्टोरीज में इतना मसाला नहीं होता। और लोगों को ना नेगेटिविटी देखना बड़ा पसंद है, क्राइम देखना बड़ा पसंद है, इसलिए वहां पर वो दिखाया जरूर जा रहा है। बट आप इन्फ्लुएंस होके प्लीज, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी होता है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये सीरीज इंडिया के यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, और यंगस्टर्स के अंदर ना मतलब पेशेंस नहीं होता। और वॉरेन बफे क्लियरली बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेता है और पेशेंट लोगों को पैसा दे देता है। और मैंने बोला कि यंगस्टर्स पेशेंट नहीं होते, इम्पेशेंट होते हैं, तो उनसे पैसा लिया जाएगा और इम्पेशेंट लोगों को पैसा दिया जाएगा। अब आपने कई सारे लोगों को सुना होगा कि भैया हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और हमारा नुकसान हो गया। आपको मैं ये बता दूं, स्टॉक मार्केट अपनी जेब में पैसा नहीं रखता, ये थोड़ी कि स्टॉक मार्केट खा गया, एनएससी खा गया, बीएससी खा गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बायर्स होते हैं, यहाँ पे सेलर्स होते हैं, ठीक है। हर मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। तो अगर इनकी जेब से पैसा आ गया तो इनकी जेब में आएगा, इनकी जेब में पैसा आया तो इनकी जेब से जाएगा। इट इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम भाई, किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा है। अगर आप आज बोलोगे ना कि मेरा आज 50,000 का स्टॉक मार्केट से फायदा हुआ है, तो ये समझ लेना किसी का नुकसान हुआ है। और अगर इसी तरीके से आपका नुकसान हुआ है, आप कहोगे जी मेरा 1,00,000 का नुकसान हो गया, तो किसी ने 1,00,000 रुपये बनाया भी है भाई। ये बिल्कुल समझने वाली चीज है। यहां से अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली शुड बी लर्निंग। आपको सीखना है और सीखने के लिए आप इस चैनल पर आ गए हो। हम कोशिश करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। बट अब लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं और स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते हैं। मैंने क्रॉस लगा दिया, सॉरी, यही तो नहीं करना। आपको क्या फिर सीखते ही रहे? नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा सिर्फ सीखते रहो। आपको अगर क्रिकेट खेलना सीखना है तो आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, आपको पिच पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी समझ रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में एंटर करना है तो यस, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, आप अपने फेवरेट कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो, कुछ पैसे के स्टॉक्स अपने खरीद भी लिए, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी चीज है, कोई गलत बात नहीं है। बट अगेन होगा क्या, इम्पेशेंट, जल्दी पैसा चाहिए। आपने देखा भाई किसी ने फलाने स्टॉक में पैसे लगाए थे, उसमें पैसे 10 गुना हो गया उसका, उसका 5 गुना हो गया, किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगाया था, हो सकता 30 गुना हो गया हो। आपको क्या बात कर रहे हो, 30 गुना मतलब 10,000 रुपए लगाए तो 3,00,000 रुपए बन गए? हाँ जी, ऐसा होता है, रियलिटी तो यही है। इनफैक्ट ट्रेड करके भी लोग इस तरीके से पैसे बना लेते हैं, बट नुकसान भी बहुत लोग करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, 10,000 रुपए डूब भी सकता है, ये पहले कोई नहीं बताता। अब मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाहता हूं, बेटर इज दैट यू डू नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद स्टॉक्स,
आपको अभी दुनिया तो स्टॉक्स के ऊपर बात कर रही है कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये वाला स्टॉक खरीद लो भाई, वो सुजलॉन एनर्जी खरीद ले भाई, इतने टाइम में इतने गुना हो गया। मैं नाम जो ले रहा हूँ इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। टाटा मोटर्स खरीद ले, ब्रिटानिया खरीद ले, ये खरीद ले, बाटा खरीद ले, MRF खरीद ले, सबकी बातें करेंगे, स्टॉक्स की बातें करेंगे डेफिनेटली। और फिर आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया, इन्फ्लुएंसर के पैसा लगा दोगे। यही तो नहीं करना, हमें दिमाग लगाना है। तो अभी दिमाग आपको बहुत चलने वाला है आने वाली वीडियोस में, तो आपको ऐसा मजा आएगा कि यार ये सीरीज ही मेरे लिए बनी थी, आप ये बोलने वाले हो। कंटिन्यू करेंगे, मैं कह रहा हूँ स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए, बट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। आप कहोगे ये क्या बात हो गई भाई कि स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाओ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। पॉइंट इज दिस दैट यू कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी रॉन्ग, ये तो आप मान सकते हो, एडमिट कर सकते हो ना कि आप गलत हो सकते हो। कि अगर आपने किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया, मान लेते हैं हम राहुल का एग्जाम्पल ले रहे थे, और राहुल ने 1,00,000 रुपया, एक लड़का है 18-20 साल का है, उसने 1,00,000 रुपया कमाया, बड़ी मेहनत से जोड़ा, और उसने स्टॉक मार्केट का नाम सुना और उसने एक स्टॉक के अंदर अपना 1,00,000 रुपये लगा दिया। और मान लेते हैं वो स्टॉक गिर गया, वो स्टॉक 30% गिर गया, तो राहुल का क्या होगा? आप कहोगे भैया 30,000 का नुकसान हो जाएगा, उससे तो 70,000 ही बचेंगे। पहली बात तो उसका विश्वास ही उठ जाएगा स्टॉक मार्केट से, वो पता क्या बोलेगा, आया बेकार, उसका विश्वास ही उठ जाएगा। अगर उसको आते ही एकदम से नुकसान हो गया ना, फिर वो कहेगा यार ये बेकार की चीज़ है यार, ये तो सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट तो है ही नहीं है, यहाँ पे तो लोग पता नहीं क्या सट्टा खेलते हैं। अच्छा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मान लेते हैं 30,000 का फायदा हो गया, तो उसको ना एकदम से एक किक मिलेगी, वो किक एक एडिक्शन की तरह भी काम कर सकती है कि यार यहाँ से तो बहुत फायदा होता, अगली बार कमा के फिर यहीं पे लगा दूंगा और उसी तरीके से लगाऊंगा। अब क्या है कि अगर 30% का रिस्क है या 30% का रिवॉर्ड है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि रिस्क ज़्यादा है। और स्टार्टिंग में आती है उसने कुछ भी किया, चाहे उसने इन्वेस्ट किया या ट्रेड किया, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं या उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। आपने सुना होगा एक्सपायरीज होती है, ट्रेडिंग होती है, ऐसा सुना तो होगा, ऑप्शंस में ट्रेड होता है, लोग बहुत ट्रेड करते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस में। नहीं भी सुना हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिलने वाली है इसी सीरीज में आगे। ऑलराइट, तो आपको ये समझ आ गया कि राहुल ने जाके 1,00,000 रुपये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या होता है कि स्टॉक कौन सा, क्योंकि आपके पास 5,000 स्टॉक्स हैं जो आपके पास एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो आप 5,000 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक उठा लेते हो मुझे नहीं पता, और उसमें क्या वॉलिटिलिटी रहती है ये भी हमें नहीं पता। हो सकता है आपका प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। अब मैं तो ये कहता हूँ स्टार्टिंग में अगर किसी ने पेनी स्टॉक्स में या ट्रेड करके नुकसान कर लिया वो बेटर है। बेटर क्यों है, क्योंकि जब उसने नुकसान किया तो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ आते ही एकदम से। अगर उसको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मान लीजिए उसने 1,00,000 रुपये से ट्रेड किया और आते ही उसका चाहे 2,000 रुपये का भी प्रॉफिट हो गया, तो क्या होगा कि अगली बार वो और बड़ा रिस्क लेके दोबारा से ट्रेड करेगा और फिर उसका एक पोटेंशियल बड़ा लॉस हो सकता है, तो वो हो सकता है 20,000 का लॉस हो जाए। तो 20,000 बड़ी बात नहीं है, ये तो एग्जाम्पल 1,00,000 से है, बात है 20% का लॉस हो गया। अब पॉइंट पता है क्या है, यहां पर स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेप है, इसलिए बता रहा हूं। मान लेते हैं किसी इंसान का 50% का नुकसान हो जाता है, अब 1,00,000 पे 50% का नुकसान हुआ तो आप बोलोगे भैया पैसा तो सिर्फ 50,000 रह जाएगा, पर आपको पता है कि अगर उसे उस लॉस को रिकवर करना है तो उसे 50% का प्रॉफिट नहीं चाहिए, 50% के प्रॉफिट से वो सिर्फ 75,000 रुपये पे पहुंचेगा, उसे 100% का प्रॉफिट चाहिए होगा। ये जो मैंने बात बोली है ना इसे मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ लो एक बार। अगर कोई अपना 50% का लॉस कर लेता है तो 50% का लॉस 50% के प्रॉफिट के बराबर नहीं होता है, तो इट इज नॉट सेम। 50% का लॉस हो गया तो अब 100% का प्रॉफिट चाहिए होगा। और पता है मार्केट में जो लोग घूम रहे होते हैं, जो शेयर मार्केट में जिनका नुकसान हो जाता है, तो उनका पॉइंट पता है क्या होता है कि कैसे भी करके हमारा लॉस रिकवर हो जाए, बस लॉस रिकवर हो जाए। और अगर वो ट्रेड लेते हैं तो साइकोलॉजी यही रहती है, पहले तो वो प्रॉफिट कमाने आए थे बट हो गया नुकसान, तो वो क्या चाहेंगे, बस कैसे भी करके मेरा लॉस रिकवर हो जाए, दैट इज इट। यहीं से अब हम कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर मैं स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट स्टेप लेने वाले हो ना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप आते ही कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें हाई रिस्क हो, बिना सीखे तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। पहले आप स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है आप ऐसा ना भी मानते हो, बट मैं जो मानता हूँ वो मेरा जो तजुर्बा रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, इतने हजारों लोगों को मैंने देखा है, उसके बाद एक एनालिसिस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में ना इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब आप कहोगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होती है भाई, ये क्या चीज़ है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बैंक निफ्टी का नाम लिया था, तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होता है, इसी तरीके से एक इंडेक्स होता है निफ्टी,
और निफ्टी क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 50 बोलते हैं, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं उनसे मिलकर एक इंडेक्स बना है। तो हम जब बोलते हैं ना मार्केट बढ़ रही है मार्केट टूट रही है, हम सिर्फ निफ्टी 50 को देख लेते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज इन 50 कंपनीज की, आप ये मान लो बस। तो अब ये 50 कंपनियां अगर बढ़ रही है तो हम बोल देते हैं मार्केट बढ़ रही है, अगर गिर रही है तो हम बोल देते हैं मार्केट गिर रही है, दैट इज इट। आप स्टार्टिंग में ना निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए या निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर लो या निफ्टी 500 में इन्वेस्ट कर लो, मतलब इंडिया के टॉप 500 कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, ये इंडेक्स हो जाएगा। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आप कहोगे भाई कई लोगों को पता होगा कि अगर हम निफ्टी के चार्ट पर क्लिक करते हैं तो हम बाय और सेल नहीं कर सकते, हम उसके फ्यूचर को बाय और सेल कर सकते हैं, हम उसके ऑप्शंस में बाय और सेल कर सकते हैं, हम निफ्टी को ऐसे नहीं खरीद सकते। निफ्टी को खरीदने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है निफ्टी का ETF खरीदना। तो ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी एक स्टॉक की तरह काम करता है। आपको लगभग 200 रुपए के आसपास, आप अपने डीमेट अकाउंट में आके सर्च करोगे तो आपको सिर्फ 200 रुपए के आसपास ETFs दिख जाएंगे, कई सारे ETF दिख जाएंगे। एग्जांपल के लिए आपको सेट निफ्टी दिख जाएगा। तो 200 रुपए के आसपास आप क्या करने वाले हो, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। अब क्या कुछ न्यूज आई, छोटी मोटी न्यूज आई तो एक कंपनी का शेयर इफेक्ट हो सकता है, दो का इफेक्ट हो सकता है, बट क्या 50 की 50 कंपनी का शेयर टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। आपको बहुत बड़ा नुकसान इतनी जल्दी नहीं होगा और बहुत बड़ा फायदा भी इतनी जल्दी नहीं होगा, बट अगर इंडिया ग्रो करेगा, टॉप 50 कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा, सिंपल। तो ये स्टार्टिंग है, हमने एक स्टॉक खरीदा, हम एक स्टॉक की तरह एक ETF को खरीद रहे हैं। तो स्टॉक्स हमने अभी कंपनी के स्टॉक्स नहीं खरीदे, हमने सीधे इंडेक्स का ही एक ETF खरीद लिया, या फिर आप म्यूचुअल फंड से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप नए हो तो आपको मेरे हिसाब से सिर्फ ये दो चीजें करनी चाहिए, आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी इंडेक्स के। ETF भी बहुत तरीके के होते हैं, गोल्ड का भी ETF होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ETF के ऊपर ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ ना, आपको मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। और वो स्ट्रैटेजी अभी तक मैंने चैनल पे नहीं दी, इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई डू माई सेल्फ, जो मैं अपने पोर्टफोलियो में करता हूँ वो बताऊंगा आपको। और आप निफ्टी को आउट परफॉर्म करोगे तो हम अल्फा प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका, अल्फा तो प्रोड्यूस करना ना मेरे भाई, मजा आएगा आपको। तो ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है, कमाल की स्ट्रैटेजी होगी, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको आर्बिट्राज फंड्स मिल जाएंगे, आपको इंटरनेशनल फंड्स मिल जाएंगे, आपको बहुत तरीके के फंड्स मिल जाते हैं, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आप बस कंफ्यूज हो जाओगे किसमें पैसा लगाना है। बट कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जिक्र करते हैं, और मैं आपको इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो से बताने वाला हूँ, जेनरली मैं बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए। तो डेफिनेटली मेरे पास भी कई तरीके की म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मेरी SIPs हो रही हैं। तो जो SIPs जिन म्यूचुअल फंड में बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कई सारे लोग क्या गलतियां करते हैं म्यूचुअल फंड में, हो सकता है आप भी दोबारा से कंसीडर कर सकते हो, जो भी आप SIPs कर रहे हो आप चेक कर पाएंगे, आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। सो सीखने वाले हो आप, बट दैट वीडियो वॉज फॉर द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्टार्टिंग में जाते ही इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है, वेरी गुड, स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग पे फोकस मत कीजिए, स्टार्टिंग में सीख लो, थोड़े से मैच्योर हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी, क्योंकि फिर आप पैसे लगातार बनाने की बात कर रहे हो। सो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज एन ऑक्यूपेशन। सो अगर आप एक उसे प्रोफेशनली करने वाले हो बिल्कुल अलग चीज है, पर टाइम पास के लिए करने वाले हो लॉस करोगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस ही करते हैं, 90% से ज्यादा लोगों का ट्रेडिंग में लॉस होता है, क्योंकि बिना सीखे, बिना प्रोफेशनलिज्म के, बिना डिसिप्लिन के वो ट्रेड करते हैं, लॉस होना ही है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो जाते ये नहीं मुझे ये स्टॉक पसंद है, वो स्टॉक पसंद है, कुछ भी नहीं पता। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी सीखना पड़ेगा, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, आगे हम बात करेंगे डिटेल में, बट वो थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है। बट आप नए हो यार, तो मैं बात पता है क्या कर रहा हूँ, हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग होती है जिसे बोलते हैं कि आप ETF और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स के, तो इसे हम पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ी सी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बट मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयर किया, मैंने आपको बताया कि अगर आपका 50% लॉस हो जाता है तो 50% प्रॉफिट उसे रिकवर नहीं करने वाला, तो ऐसी गलती अपने कैपिटल के साथ मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग 1,00,000 रुपए भी बड़ी मुश्किल से जोड़ पाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप गलतियां कम करो, अपना पैसा लूज कम करो, और वॉरेन बफे के रूल को याद रखो, दैट नेवर यू लूज योर मनी, दैट इज द रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2 क्या है, डू नॉट फॉरगेट द रूल नंबर 1।
एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी की जेब से पैसा निकलेगा तो किसी की जेब में जाएगा, अगर आपका लॉस हो रहा है तो किसी का फायदा हो रहा है। फिर मैंने बोला कि टेलीग्राम और SMS के थ्रू अगर आपको रिकमेंडेशन आती हैं तो प्लीज़ उन पर रिलाय मत कीजिए, अपना खुद का दिमाग लगाइए या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लीजिए। आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे पैसा एलोकेट करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, एक्सचेंज मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने IPO के बारे में भी आपको बताया, और फाइनली बताया कि स्टॉक्स खरीदने का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। और अगर आपने ETF खरीद लिया तो ETF खरीद के आपने हिस्सेदारी खरीद ली इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में, बट डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, और आप अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हो तो आप ज़्यादातर लोगों से अलग हो गए हो, और ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, तो शायद आप होने वाले हो। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ETF खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, ट्रेड करना है, स्टॉक्स खरीदने हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो हम बात करेंगे उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप एडवांस में अपना डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, एंड आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आगे जाकर आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको मिलने वाली है, तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि अब हम धीरे धीरे करके जैसे मैंने बोला कि लेवल अप करने वाले हैं, राहुल को अपना पैसा ग्रो करना है, तो उसे समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से उसे रेगुलरली अपने पैसे को ग्रो करना है, कंपाउंड करना है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।